हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन क्लास 9th के मैथ से चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से लिया गया है और इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप अगर इस वीडियो को जरा भी स्किप कर देंगे बीच में तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है या डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इफ एक्स इज इक्वल टू 5 - √21/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब आप बोलोगे, सर ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। गिवन दैट, देखो दिया क्या है, हमारे पास दिया है एक्स इज इक्वल टू 5 - √21/2। देन अगर हम यहां से 1/x फाइंड करें, सबसे पहले हमें 1/x को फाइंड करना है, तो मतलब x कहाँ है? नीचे 1। ठीक, x कहाँ है? नीचे। और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू इतनी है, देखो ये x की वैल्यू है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। क्या कर देंगे? रख देंगे। रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, 5 - √21/2। अब ध्यान देना, ये चला जाएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम 1 * 2/5 - √21। अब देखो, इसको आप हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 * 2 = 2। कितना होगा? 1 * 2 = 2। अब देखो, हमें एक नया नंबर मिल गया जो 1/x के इक्वल है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको √21 देखने को मिल रहा है, जबकि आपको पता है कि कोई भी जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट में है तो उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस नंबर को हम रेशनलाइज करेंगे, किसे? इसे रेशनलाइज करेंगे। तो देखो लिखेंगे कैसे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय 5। देखो यहां पर माइनस है तो इसका अपोजिट साइन ले लेंगे, +√21। देन वी है, तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो मिलेगा क्या? 2/5 - √21। और रेशनलाइज करेंगे इससे, तो इसे न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + √21/5 + √21। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये हो जाएगा 2 5 + √21/, ये देखो ये a माइनस भी है और ये a प्लस भी है, तो देखो a + b a - b का आइडेंटिटी होता है a² - b², इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर - √21 का स्क्वायर। इतना हो जाएगा, क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, 5 + √21, और यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25 - √21 का स्क्वायर 21। 2 5 + √21, और ये देखो 25 - 21 करेंगे कितना बचेगा? 4। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो फाइनली आंसर हम कितना राइट कर सकते हैं? 5 + √21/2। ये आंसर किसका है? ये आंसर 1/x का है। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल आराम से सॉल्व किया है, एक एक स्टेप को सॉल्व किया है। आप चाहें तो ये अलग से सॉल्व करके यहाँ के बाद ये सब स्टेप आप मिस करके डायरेक्ट ये राइट कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कमजोर होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल शुरू से राइट किया है। अब आप एक चीज समझो, देखो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू है, यहाँ पर हमारा 1/x की वैल्यू है, इन दोनों को यहाँ पर रख देंगे तो क्या मिलेगा वो देखो, देन x + 1/x = देखो x की वैल्यू है
माइनस स्क्वायर रूट 21 ओवर 2, प्लस साइन लगा है तो प्लस लगा देंगे, इसकी वैल्यू है 5 प्लस स्क्वायर रूट 21 बाई 2। अब एक चीज आप ध्यान से समझो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम सेम है तो इनको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे ऐड, तो कैसे ऐड होगा देखो ऐसे 5 माइनस स्क्वायर रूट 21 प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट 21 ओवर 2। अब ये प्लस है तो साइन में कोई चेंज आएगा नहीं, तो इसको डायरेक्टली हटा दो, ब्रैकेट को क्या कर दो डायरेक्टली हटा दो, इवन दो शुरू से ही मत लगाओ। अब ध्यान से देखो, ये प्लस 5 ये प्लस 5 कितना आ जाएगा बाबू, 5 प्लस 5 10, या माइनस स्क्वायर रूट 21 प्लस स्क्वायर रूट 21 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना केवल 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5, किसका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 अपान x का आंसर आ जाएगा 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।